आरपी भारत केवल खबरें और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूँ अंजलि, आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की किसी प्रमुख खबर से। दुष्कर्म के बाद युवती की हत्या के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे कुछ लोगों ने सोमवार की शाम रांची के किशोरगंज में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के काफिले को रोकने की कोशिश के विरोध में, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बुधवार की संध्या जयनगर के पेठिया बागी चौक पर बाबूलाल मरांडी का पुतला फूंका। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने बाबूलाल मरांडी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और प्रशासन से दोषियों पर प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई करने की मांग की। इस दौरान झामुमो नेता राजकुमार पासवान ने कहा कि हेमंत सोरेन की बढ़ती लोकप्रियता से विपक्षी पार्टी घबरा गई है, इसीलिए इस तरह की घटना जानबूझकर करवा रही है। राजकुमार पासवान ने कहा कि जब तक मुख्यमंत्री के काफिले पर हमला करने वाले पर कार्रवाई नहीं की गई, तब तक झारखंड मुक्ति मोर्चा चुप नहीं बैठेगी। इस दौरान इस्लाम अंसारी प्रखंड अध्यक्ष अशोक सिंह ने भी अपनी बात रखी। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रखंड अध्यक्ष अशोक सिंह ने की। इस अवसर पर चौधरी पासवान, अफरोज आलम, मुमताज आलम, सहराना खान, रामस्वरूप यादव, मोशाहिद खान, अनुज पंडित, मोहन राणा, बसीरुद्दीन खान, छोटू यादव सहित कई कार्यकर्ता शामिल थे। कोडरमा से रणजीत कुमार भारती की रिपोर्ट। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील टीएमटी बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील टीएमटी बार्स, रिश्ता मजबूती का। आज हम लोग भाजपा के बाबूलाल मरांडी जी का पुतला दहन कर रहे हैं। दो दिन पूर्व जो है कि लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी का पर जानलेवा हमला हुआ था और भाजपा जो है कि श्री सोरेन जी के कार्यों से घबराए हुए है भाजपा। और आप लोग जानते हैं कि जब दिए में तेल, लालटेन में जब तेल खत्म होता है तो लास्ट में भभकता है, इसलिए ये अंतिम सांस भाजपा झारखंड में गिन रही है। और इस हमले के खिलाफ में पूरे झारखंड की जनता जो है कि आज जो है कि पुतला दहन के कार्यक्रम कर रही है, पार्टी की ओर से निर्देश है। और जब भी इस तरह का हमला होगा हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, यहाँ की झारखंडी जनता बर्दाश्त नहीं करेगी, इसलिए आज पूरे झारखंड में जो है कि हम लोग पुतला दहन के कार्यक्रम कर रहे हैं। और मुख्यमंत्री के लोकप्रियता से भाजपा घबराए हुए हैं, इनके अस्तित्व जो है भाजपा के खत्म होने पर है। आज हम लोग जयनगर प्रखंड के अंतर्गत बेठिया बागी चौक पे माननीय बाबूलाल मरांडी का पुतला दहन कर रहे हैं, क्योंकि आगामी कुछ दिन पहले रांची के किशोरगंज में माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के काफिलों को रोक करके उन पर एक जानलेवा हमला की गई। इसे साफ जाहिर होता है कि भाजपा माननीय मुख्यमंत्री का कार्यशैली को देख करके बेहद बौखलाई हुई है और कतई झारखंड की जनता और झारखंड के युवा कतई ऐसे हमलेवार को बर्दाश्त नहीं करेगी। और पूरा आवाम कोडरमा जिला का जितना भी युवा है, पूरे झारखंड का जनता की तरफ से हम लोग आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से ये मांग करते हैं कि दोषियों पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और दोषियों को